देश के 12 राज्यों और 60 शहरों में अपने संगठन का विस्तार करने के बाद आज शिवसेना हिंद ने पानीपत में संगठन का विस्तार किया। शिवसेना हिंद पानीपत के युवा सुशील फौजी को बनाया शिवसेना हिंद का युवा प्रदेशाध्यक्ष। पानीपत पहुंचे शिवसेना हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा ने कहा कि पार्टी के युवा साथी सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जल्द ही देश के हर शहर में शिवसेना हिंद की यूनिट खड़ी करेंगे। निशांत शर्मा ने कहा कि पंजाब और बाहर के देशों में 2020 वर्ल्ड कप का विरोध करने वालों का शिवसेना हिंद विरोध करती है। उन्होंने कहा कि देश की जेलों में फांसी की सजा पाए कैदियों के लिए जल्लाद बनने को तैयार है शिवसेना हिंद के 21 सदस्य। 12 राज्यों में काम कर रही है और 60 शहरों में ऑलरेडी काम कर रही है। आज 61वां शहर पानीपत में शिवसेना हिंद की इकाई स्थापित की गई है। सुशील फौजी जी हमारे छोटे भाई को आज हरियाणा का युवा इकाई का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिवसेना हिंद का जो मुख्य लक्ष्य है सनातन धर्म की रक्षा करना और जो लोग देश विरोधी ताकते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी, जैसे कि पंजाब में और बाहर विदेश लंदन आदि में 2020 रेफरेंडम के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है शिवसेना हिंद उसका कड़ा विरोध करती है। और जब पंजाब में फांसी की सजा प्राप्त आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द पूरे भारतवर्ष में जिन जिनको आतंकवादियों को फांसी की सजा प्राप्त है उनको जल्द से जल्द फांसी मिले इसके लिए संघर्ष कर रही है। और जल्दी गवर्नर पंजाब को एक 21 मेंबरों की लिस्ट हम निशुल्क जो शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मेरे समेत दी जा रही है जिसमें हम निशुल्क जल्लाद बनने तक को तैयार हैं। अगर किसी आतंकवादी को फांसी देनी है अगर सरकार के पास जल्लाद नहीं है तो हम जल्लाद बनने को भी तैयार हैं, क्योंकि ऐसे आतंकवादी जेलों में बंद हैं जिन्होंने आज़ादी पंजाब में शांति लाने वाले महरूम मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जैसे को शहीद किया, बलवंत सिंह राजोड़ा जैसे आतंकवादी जो जेलों में ऐश कर रहे हैं उनको तुरंत फांसी होनी चाहिए। इसलिए हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है हम उनके लिए जलाद बनने को भी तैयार हैं। पंजाब में एसआईटी की जो लिस्ट है उसको खुलासा सरकार को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको क्या कहना है? बिल्कुल, पंजाब में जो एसआईटी की लिस्ट है वो हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उसका खुलासा जैसे हेयरिंग में होगा उसका जो बड़ी मछलियाँ हैं वो कई सामने आएंगी उसका हम स्वागत करेंगे।